Hello guys, welcome back in on V Zone. This is Manu. Today we are going to react on if CID plays Among Us. By Myth Pack. So दोस्तों Myth Pack की वीडियो और Among Us के साथ यार Among Us मैं बहुत खेल रहा हूँ आजकल Discord पर. अगर आप सबको भी आना है तो आओ खेलते हैं. Let's play. क्यों वहाँ पर 5-6 जने हो पाते हैं, 10 तो हो नहीं पाते. और देखो पता है इसका लगा कि CID पे Myth Pack ने पहले भी एक गया तो गड़बड़. हाँ दया कुछ गड़बड़ है. मुझे ये तो न्यू वीडियो है तो लगता है कि यहाँ पे फिर एक करेक्टर के साथ कुछ मतलब नया किया है और यहाँ पे गेम है तो देखते हैं क्या है. राइट सो दोस्तों यार लेट्स चेक इट आउट. मैं मुझे लगता हूं बोल रही जब तक मैं कुछ कर लूं. मैं Myth Pack का यार वो CID वाला मुझे पसंद है. यो कुछ तो गड़बड़ है. सो यहां चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि यहां पे न्यू करेक्टर के साथ क्या हुआ. सो हियर वी नया न्यू पुराना करेक्टर सो गो. अरे इसने क्या किया मेरे साथ. ओ ओ चलती है आज हम खेलने वाले हैं Among Us. यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ. हेलो क्या तुम सब लोग अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हो. दया दया अपने बारे में बोल. दया हाँ भी जी तो क्या बोलूँ मैं दरवाजा तोड़ के आ गया. डॉक्टर सारुन के मुझे बस डेड बॉडी रिपोर्ट करके बताना मुझे पोस्टमार्टम करना है. शुरू करते हैं पहले मैच के साथ. क्रूमेट हमेशा की तरह मैं ही क्रूमेट. हाँ. लेकिन कोई बात नहीं हमें क्रूमेट ही बनना है. मैं खूनी को ढूंढ निकालूंगा. खत्म कर दूंगा खूनी को. ये देखो क्यों बुरा है इमरजेंसी मीटिंग. सर क्या हुआ सर इमरजेंसी मीटिंग क्यों. मुझे बस तुम लोग को एक चीज बोलनी है कि अगर आपने अब तक मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो कर दो डिस्क्रिप्शन में. वही कह रहा है बिना बात इतनी जल्दी. हां ये यही उधर यही होना चाहिए. यही करते हैं. अभी मैं इनको दिखाता हूं. दया को मारेगा मैं सबसे पहले. दया पे मुझे बिल्कुल भी दया नहीं है. पीछे पीछे भागने से पता समझ आ गया. क्या एसीपी के हर बार क्या एसीपी टकला तो कुछ भी बोलोगे तुम लोग. निकाल देगा कौन देख रहा था. जॉब से निकाल देगा. चुप बैठ तू. अरे बात करेगा ना उसको. अरे एसी पे तो कुछ भी करेगा. चुप बैठ. बॉस पे चिल्लाते हैं. अरे नहीं 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 एक्चुअली जब एसी किसके किसके घर से फ्लैश का आवाज आ रहा है. संडा से कौन खेल कौन. ओह लॉल प्रमोशन देगा. प्लीज एक मैच के लिए वोट मत करो. सर आप इम्पोस्टर हो वापस. इस बार मैं इम्पोस्टर नहीं हूँ. इस बार क्रू में हूँ. लेकिन मैं खूनी को ढूंढ निकालेगा. अरे ये रिएक्ट का टास्क है ना. जमता ही नहीं मेरे को. कभी मरना नहीं चाहिए. प्लीज टास्क करते. अरे क्या चालू है. अरे करना यार करना. अरे क्या चालू. एसीपी सर एक क्वेश्चन है. ये सिंपल टास्क है. बोल बोल. एसीपी का फुल फॉर्म क्या है सर. वेट बोलता है ये साले. शर्म आता है क्या. इमरजेंसी मीटिंग कुछ भी पूछ रहा है मुझे. एसीपी का फुल फॉर्म क्या है एक्चुअली. रुको देख रहे हो. एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस. ठीक है मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ. मुझे अभी समझा. एक मिनट दया मर गया. डॉक्टर सारुंके मर गए. क्या इसका मतलब समझा अभिजीत. क्या. अरे बुड्ढे मतलब बता. इसका मतलब ये है कि खूनी ही खूनी है.
वाज नॉट द इंपोस्टर एसी भी मेरे साथ आओ एसी भी मेरे साथ आओ अभिजीत ही होगा मुझे मालूम है यही होगा पक्का तारिक रेडी कहां पे है वैसे फ्रेडी फ्रेडी कहां पे है तो क्या होगा ये देख एसी भी मुझे अभिजीत के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे सर अभिजीत प्लीज सर पे ध्यान रखिए मैं टास्क करके आता हूँ दया मैं जो बोलूंगा तू वो करेगा दया कहीं पे नहीं जाने का रुक दया मेरे साथ सर मुझे माफ कर दीजिए सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर ऑन द कोड वेट तुम भूख लगा है मेरे को भूख लगा है चना खाता हूँ गाइस तुम लोग करो मैं चना खा रहा हूँ सर आपका शेरी चना है रेडी फ्रेडी मेरे पीछे क्यों आ रहा है फ्रेडी 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 बाड़ा बॉडी इधर था सर चुप बैठ ना बॉडी बोल किधर है भूत बन गया चना खाते खाते डॉक्टर सालूम के आपको सर पे चोट लगी है क्या आप कुछ भी बोलते हो कभी भी फ्रेडी पता नहीं है भूत या फिर दया में से अरे मैं लास्ट बॉडी जब रिपोर्ट किया था ना मैं और फ्रेडी साथ में उधर भाग के गए थे अरे हां डॉक्टर सालूम को निकालने वाला है डॉक्टर हो नहीं फ्रेडी नहीं है फ्रेडी नहीं है फ्रेडी नहीं है फ्रेडी नहीं है एकदम बाकी का मान तो आशा और कोई क्या रहेगा नहीं दो टास्क बाकी मेरे अरे यार सब लोग इधर कहां पे था मेरा दूसरा टास्क ऊपर एसीपी सर जल्दी करो ना टास्क इसी भी सर आप इतना टाइम क्यों लगाते हो आप बूढ़े हो गए आप रिटायर हो गए दया मेरी प्रोटेक्शन करो ये देख तारिका मेरे पीछे आ रही है तारिका पीछे आ रही है मुझे कुछ हो गया ना दया पहले ही बता रहा हूँ हम लोग एक काम करते हैं हम लोग दया को कॉन्फिडेंस में लेते हैं आई होप कि दया वफादार है दया मैं तुझ पे विश्वास कर रहा हूँ हाँ सर दया दया मेरे साइड पे है अरे ये क्या हो गया सिक्योरिटी हुई है मतलब अरे नो सिक्योरिटी में देखने वाले का मारा तो नहीं मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दया के साथ था सर लाफा मारू क्या बता मुझे लाफा मारेगा सर कोई लाफा मारेगा एसीपी है अरे क्या एसीपी कुछ भी हुआ तो एसीपी ना एसीपी है बोल रहा हूं अरे बट मैं तीन गेम कैसे इंपोस्टर बन सकता हूं कुछ भी एसीपी है बोल रहा हूं मैं प्लीज अरे इस बार मैं नहीं हूं एसीपी सर बोल रहे थे कि दया के साथ थे दया हां तेरे साथ थे क्या अरे एसीपी सर मेरे साथ है कब से हम घूम रहे हैं अरे प्रद्युम उठेगी लास्ट दया सर मैं टास्क कर रहा हूं अब सबके सामने वेरी बैड एज ऑलवेज दया मेरे पीछे आ जा इलेक्ट्रिकल में मेरा टास्क यार इलेक्ट्रिकल का रूम लॉक कर दिया दया दरवाजा तोड़ दिया नाइस यार ये थी छोटी सी प्यारी सी वीडियो और सच में यार अमंग अस बहुत फेमस हो गया जो बहुत जल्दी से बहुत सारे क्रिएटर्स खेल रहे हैं खेलने लगे हैं और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव गेम है नहीं नहीं क्रिएटिव नहीं है क्रिएटिव तो तुम देखो तो नहीं इसमें जो डिस्कशन होता है जो कॉन्वर्सेशन है किसी को ब्लेम करना कौन है इंपोजर तो वो चीजें देखने में मजा आता है बट मुझे लगता है खेलने में भी मजा आता है मुझे लगता है जैसे रियल लाइफ में आप किसी को है ना अपनी अपनी बातों से बहला सकते हो फुसला सकते हो वही गेम ये सिखाता है मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं झूठ बोलना सिखा रहा है गेम हमारे यूथ को नहीं एक्चुअल में यार आप इम्पोस्टर होते हुए भी आपको मना करना है तो गेम है ना उसका टास्क है यार वो चीज छुपानी हो और आपको करने वाला गेम्स मेक पर्सन सीधा हाईलाइट हो नहीं गेम मेक्स पर्संस वो जैसा सोचते जैसे अभी जैसे पबजी चल रहा था बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार वो बड़ा मतलब बहुत धुरधुरधुर वाला है मतलब बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसके अंदर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा है ऐसा ओह गॉड गेम को इतना सीरियसली लेने की जरूरत है जस्ट काइंड ऑफ अ गेम यार नहीं मुझे लगता है कि मुझे तो मतलब अच्छा लगा इंटरेस्टिंग लगा गेम लगा कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो उस गेम से लाइक किस तरीके से यू नो टास्क करने हैं और कैसे सब कुछ करना तो मुझे तो मजा आया ये ज़्यादा सीख सकते हैं इसमें कुछ सीखने के लिए नहीं है सिर्फ हाँ आपने आपको अलग तरीके से फोकस करने के लिए सो दोस्तों यार वीडियो अमेजिंग थी आपको इसलिए बताइए वाला लाइकिंग अ वीडियो इफ यू न्यू सब्सक्राइब चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन सजेस्ट कमेंट सब कुछ करते रहिए सो टिल देन बाय टेक योरसेल्फ मिथ पैट गो कोई वीडियो तो बताइएगा टिल देन बाय टेक योरसेल्फ साइनिंग आउट बाय